कनाडा टूरिस्ट वीजा बिग अपडेट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि करंटली फाइल्स प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुकी है एंड करंटली जो वीजा ट्रेंड है वो भी ठीक है। देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि आप फाइल लगा दोगे आपको वीजा मिल ही जाएगा, वो फाइल पे भी डिपेंड करता है, बट करंटली वीजा ट्रेंड अच्छा है जी। उसके बाद करंटली फाइल्स प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली आपके साथ वीडियो में शेयर किया था, 4 PPSIs ही, एक तो पूरी फैमिली का वीजा आया था, उसके बाद एक लोन बंदा था उसका भी वीजा आया था। देन मैं कहूंगा कि करंटली इट इज द राइट टाइम टू अप्लाई। कैपिंग स्टूडेंट वीजा पे हुई है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी हुआ है, बट टूरिस्ट वीजा वालों पे कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है ना ही आएगा, क्योंकि टूरिस्ट हम 15 दिन के लिए जाते हैं, वहां पे 2 साल 3 साल के नहीं लिए नहीं जाते। सो दिस इज वाई मैं कहूंगा कि टूरिस्ट वीजा करंटली बेसी भी दे रही है, उसका कोई कोटा भी नहीं है, जितने भी वीजा आ सकते हैं उतने वो वीजे प्रोवाइड कर सकती है करंटली। उसके लिए देखो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर आपकी 5 लाख 6 लाख की ITR है और आप अपनी ITR पे फाइल अप्लाई करोगे तो वो ITR पे वीजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? करंटली जब हम बजट बनाते हैं तो बजट हमारा अराउंड 4 लाख 5 लाख का बन जाता है, तो वीजा अफसर वही कहेगा कि यार कि आपका आज खर्चा कनाडा घूमने का 1 लाख की टिकट जाने की, जाने की 2 लाख टिकट्स पे होगा, अकोमोडेशन खाने का वहां पे शॉपिंग का आपका खर्चा टोटल 5 लाख आ रहा है और 6 लाख की आपकी टोटल इनकम है साल की ITR के हिसाब से, तो आपने 90% 95% आपका 15 दिन में उड़ा दोगे जो आपने 1 साल में कमाया। सो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बट दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हमारे पास वीजे कैसे आते हैं, ये हमारा सीक्रेट क्या है, ये हम ITR ओनली पर्सन की नहीं लगाते, हम पूरी फैमिली की ITR लगाते हैं। 5 लाख आपकी वाइफ की, 5 लाख आपकी ब्रदर की, 5 लाख मदर की, 5 लाख फादर की, तो अगर आपके दादाजी दादाजी हैं उनकी पेंशन आती है तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं, तो पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली शो करते हैं और टोटल इनकम हम 25-30 लाख तक लेके जाते हैं। तो दिस इज द जेन्युइन वे। तो वहां पे वीजा ऑफिसर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर 30 लाख इनकम है उसमें से 6 लाख 5 लाख अगर खर्चा आ जाएगा दैट इज नॉट अ बिग डील। सो फाइनेंशियली आपका होगा, फाइनेंशियली में आपकी और चीज प्रोफाइल में हम क्या चीज देखते हैं, फंड्स। फंड्स ऐसा ना हो कि आप 3-4 लाख लाख दिखा के आप वीजा ले लोगे, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज आपका खर्चा ही 4-5 लाख आ रहा है तो आपके पास पैसे ही ओनली 2-3 लाख है, आपके पास कम से कम 10 लाख होना चाहिए अगर आपका 5 लाख का खर्चा है। देन आप यू कैन से कि हम 50% यूज करेंगे फ्रॉम माय सेविंग, 50% मेरा मेरे पास रहेगा फॉर माय इमरजेंसी पर्सनल यूज, ठीक है जी। सो फाइनेंशियल का आपका डन हो गया। दूसरा आता है जी आपका टाइस टू इंडिया। टाइस टू इंडिया आपके मदर फादर के नाम पे जमीन है वो भी आपका टाइस टू इंडिया, आपकी फैमिली टाइस टू इंडिया, आपकी फैमिली मदर ब्रदर आपके रिलेटिव फ्रेंड्स, ठीक है, वो सारी चीज हम वीजा अफसर को कहते हैं कि जी फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई एम लिविंग हियर विद माय फैमिली विद माय फ्रेंड्स विद माय रिलेटिव्स, सो इट इज इवन हार्ड, बहुत ही मुश्किल है ये सोचना टू थिंक अबाउट कि मैं इनको पीछे छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा मोटिव है ओनली वहां पे घूमने का है, ठीक है, मैं वहां से इंप्रेस हुआ, मैंने वीडियोस देखी, मैंने वहां पे स्काई टावर जो सीएन टावर है वो देखा, मैंने वहां पे एग्रीकल्चर लैंड है वो मैं देखना चाहता हूँ, वहां पे अल्बर्टा में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं मैं वो देखना चाहता हूँ। सो ये चीज हम वीजा ऑफिसर को लिख के देते हैं पर्पस आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दैट इज वाई हमारे पास बेकार से बेकार फाइल जो है, खराब से खराब फाइल पे भी वीजा आता है, 2-2 3-3 रिफ्यूजल के बाद हम टूरिस्ट वीजा होटल बुकिंग पे ले देते हैं, और हमारी कोई इतनी बड़ी फीस भी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि फीस बहुत ज्यादा होगी, इतनी बड़ी फीस भी नहीं है, एक बार आप अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करें, हमारे साथ डिस्कस करें, उसके बाद आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पुनीत इमिग्रेशन में यही है कि आपकी जो ईच फाइल होती है वो मेरे द्वारा रेडी की जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई स्टाफ मेंबर करेगा, मैं ईच फाइल खुद रेडी करता हूँ, ईच फाइल मेरे द्वारा ही सबमिशन की जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको सब्सक्राइब कर सकते हो इस पे, और अगर हम आपका कोई क्वेश्चन है वो आप फोन करके भी पूछ सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और डेली हम लाइव भी आया करेंगे, उसकी टाइमिंग आपको कम्युनिटी पोस्ट में दी जाएगी, डेली आपके पास मौका होगा कि आप मेरे साथ वाइल लाइव बात कर सके, आप अपना क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर सके। नमस्कार, सत श्री अकाल।